व्लॉग्स आर बैक बेबी। तो भाई बहुत ही दिनों बाद मैंने सोचा कि अब आलस करने का कोई फायदा है नहीं, तो इसीलिए वापस व्लॉगिंग स्टार्ट कर ही देते हैं। एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइबर भी चाहिए, कितना डेट तो मतलब नहीं होना चाहिए सारा। और बाय द वे हमारी लाइफ में भी काफी सारे अपडेट्स हैं, ठीक है, वो मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा। पर अभी तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अभी हमें जाना है रॉबिनहुड आर्मी की अकेडमिक ड्राइव में, क्योंकि आज संडे है। एक महीना अराउंड हो गया है जिसमें मैंने बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा काम नहीं किया है, सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट किया है, ठीक है। तो इसीलिए हमको पहले तो जाना ही पड़ेगा वहां पे, और उसके बाद में आके और बढ़िया थोड़ा बहुत और एडिट करूंगा। और एक्चुअली दिस टाइम दिस इज हैपनिंग, इट इज एक्चुअली हैपनिंग कि भाई मैं एक बढ़िया सा व्लॉग चैलेंज लेता हूं और 60 दिन तक फॉर 60 डेज आई अपलोड डेली व्लॉग्स। ये मैंने चैलेंज लिया है खुद से, ठीक है, 60 दिन तक 60 व्लॉग्स आएंगे अब, हाँ, और डेली आएंगे, बिल्कुल भी उसमें एडिटिंग नहीं होगी, एकदम तगड़ी वाली स्टोरी टेलिंग व्लॉग्स जैसे कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसे बढ़िया से रॉ से व्लॉग्स आएंगे, ठीक है। और उसके बाद में ना मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, ऐसा लगता है, मेरे बहुत सारे दोस्त फोर्स कर रहे हैं मेरे को ये करने के लिए, ठीक है। तो मैंने मान ही लिया और मैंने सोचा कर ही दो, तो अभी जस्ट मैं उठाऊं, ठीक है, और फटाफट से मैं जाऊंगा। अभी अनिकेत और कुणाल मेरे घर पे आएंगे अभी थोड़ी देर में, तो मैं फटाफट से तैयार हो जाता हूँ और उसके बाद हम चल देते हैं। अरे अनिकेत भाई, अरे कुणाल भाई, आप तो बहुत जल्दी आ गए यार, हैं ऐसे मत करो यार। देखो मेरी बात सुनो, हमको 10 बजे जाना था आरएचसी की ड्राइव में, ठीक है, आरएचसी की ड्राइव में जा रहे हैं। इसके पहले वाला इंट्रो ना मैं घर आके शूट कर लूंगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं आरएचसी की अकेडमिक ड्राइव में, और 10 बजे का टाइम था, 10 बज के कितने 15-20 तो हो रहे होंगे ना, 20 मिनट, हाँ 10:20 पे तो हमारे दोनों भाई आए हैं, ठीक है, और अभी भी नहाना वो क्या होता है भाई। कुणाल भाई आप नहाते हो? अरे कुणाल भाई ऐसा मत करो, एनवायरमेंटलिस्ट ये लोग नहाते हैं, ठीक है। तो अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी भी बहुत सारे लोग बचे हुए हैं, ईशा काव्य बहुत सारे लोग आ रहे हैं हमारे साथ, और हम सब इतने लेट जाएंगे ना कसम से, बहुत ही लेट, तो मजा आ जाएंगे, ठीक है। हमने रेगुलर व्लॉग्स बाय द वे 60 डेज 60 व्लॉग्स डेली व्लॉग्स यार, बाकी यार। अरे अरे अनिकेत भाई आप भी चैलेंज ले लो यार, व्लॉगिंग का ना, व्लॉगिंग का मंडे से डन, देख मंडे से डन पक्का, देख लो भाई ना मेरा व्लॉग जरूर आएगा। वही वही मैं तो डेली डालूंगा, कल से देख लेना। बाकी भाई व्लॉगिंग भूल गया हूँ मैं, सही में व्लॉगिंग भूल गया हूँ, बहुत दिन हो गए, क्योंकि बहुत टाइम से सिर्फ आलस था मेरा, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना रहा था, ठीक है, सिर्फ आलस। अरे अनिकेत भाई मंडे से मतलब आप भी व्लॉग करोगे ना अनिकेत भाई, ये हुई ना बात, ऐसे कंटेंट ज्यादा बड़े नहीं, बट हाँ ऐसे कि अल्टीमेट डेज पे एक आधे व्लॉग तो आई जाए। अरे वाह अनिकेत भाई तो रेगुलर हो जाएंगे, मेरे नाम से होगा, मैं इलेक्शन ही करूंगा। अनिकेत भाई टॉन्ट मार रहे, अनिकेत भाई ये आप भी आर्मी में जाने का सोच रहे हो क्या? कुणाल भाई आप रील ही बनाते रहोगे या फिर असली भी बनाओगे? अरे ये देखो ले पकड़, अच्छा देखा, ये प्रूफ है कि हम जल्दी आते हैं। काव्य भाई आपने इतना लेट क्यों कर दिया? काव्य भाई नहाने में चीज नहाने के लिए कुछ, अरे क्या मैं नहाने चले गया था। अच्छा मुझे एक बड़े लोगों ने बोला था कि नहा के मत आना, पर मैं नहा के आया। अरे यार नहा के थोड़ी आते हैं यार, गलत बात है, बहुत गलत बात है, नहा के आना चाहिए, उससे क्या बिल्कुल सब देखती है अपने, सॉरी अपन किसी से मिलो तो अच्छा लगा। अरे वाह, अरे भाई पर देखो यार इंडिया में क्या बीटी होती है वो देखो तुम, देखा हम लोग लेट आए हैं, ठीक है, और हम कैसे कर रहे थे कि लेट आए हैं, और ये देखो ये सिर्फ 3-4 लोग आए हुए हैं यहाँ पे, इंडिया में सब एक जैसे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं, सब एक जैसे। अनिकेत भाई निकले तो आप हमसे पहले थे, फिर आप बाद में कैसे आ गए? गाड़ी घुमा के आ रहा था मैं। नहीं क्यों आप तफरी कर रहे हो अनिकेत भाई, गलत लोग ये देखो, हाँ ये देखो बाय द वे ये है कर्मठ रॉबिन लोग सारे, ठीक है, ये भी एक महीने बाद आ रही है, ये भी एक महीने बाद आ रही है ना। अरे बाप रे, एग्जाम भाई वो क्या होती है, एग्जाम क्या होती है भाई? मैं त्रिलोक नगर ड्राइव करके आई हूँ अभी। अरे बाप रे, बहुत कर्मठ, और ये है सबसे कर्मठ रॉबिन हमारे, ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर क्या बोलते रहे, चैप्टर क्या होता है, चैप्टर हेड होता है क्या, पीओसी, हाँ नेक्स्ट पीओसी अपकमिंग पीओसी भाई। कुणाल भाई आप तो बहुत ही ट्रिप में हो कुणाल भाई, हाँ कुणाल भाई
ऐसे मतलब एनवायरमेंटल स्ट्रेस से जूते उत पहन लेते क्या? ये कुणाल भाई, ये कुछ बार्क वार्क से तो नहीं बना ना कुणाल भाई? कोल्हापुरी। अरे ये स्नेक स्किन से बनाओ तो कितना सही एनवायरमेंटलिस्ट हो जाएगा ये। फिर हो गए ना कुणाल भाई आप सही एनवायरमेंटलिस्ट। पीओसी बन के थोड़ी कर्मठता चली गई यार आपकी, इसको बना देते हैं अगला वाला। बना दो, बना दे। लो भाई हो गया, डिक्लेयर कर दिया भाई। मैंने कॉल किया। अच्छा आपने कॉल किया? मैं भूल गया व्लॉगिंग कैसे करते हैं। बहुत दिन हो गए ना, भूल गया। लो अपने अपने नाम बताओ फटाफट। मेरा नाम करण। करण, ये तरुण। सुमित, ये सुमित आप तो ड्रिप हो रहे हो, रैपर वैपर बनोगे क्या? हाँ ये रैपर बनेगा, ये कौन सा क्या करो भाई। भाई मैं सही बता रहा हूँ, ये रैपर बन जाएगा और उसके बाद बोलेगा 80,000 के शूज है, 80,000 के। हाँ अमित, वाह यार तुम लग रहे हो खतरनाक। तुम मेरे को ऐसे लग रहे हो कि तुम एक हाथ से चढ़ जाओगे वहाँ पे। चढ़ जाते हो कि ये चढ़ जाता है कैसे? हाँ चढ़ जाता है। अरे वाह यार, देखा लग ही रहा है, वो छक्ल से ही लग रहा है। बंदर है नंबर का। क्यों तुमको एक अरे एक बात बताओ, तुमको पढ़ाई करनी है अभी? हाँ, हाँ। या कुछ खेलना है? पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करनी है भाई बच्चों को? बच्चे बच्चों को पढ़ाई करनी है भाई। मुझे पढ़ाई करनी है। तुम्हारा बेस्ट टीचर आ गया, कोई बात नहीं। मैं चलो आ जाओ पीछे बैठ जाओ। अरे ऐसे मत बैठो, पीछे बैठ जाओ। देख ले ऐसे बनते हैं पीओसी क्या? साइड में खड़े होके नहीं बनते हैं। सीख जाएगा, सीख रहा हूँ। ये ऐसे ऑब्जर्व कर रहा है ना, मतलब इसको बनना है भाई। बनना तो है भाई, कर्मठ रहोगे ना वो तब तू हर दिन बोलेगा कि नहीं बनना था। तुम्हारी कॉपियां कहाँ हैं? तुमको दी थी सारी ड्राइंग बुक, दी थी कॉपियां, दी थी सब कहाँ गई? प्लेन बन गए। कुणाल भाई आप क्या कर रहे हो, ऐसी ऐसी कौन सी फोटोग्राफी कर रहे हो कुणाल भाई? इतनी एफर्ट्स भी नहीं। कुणाल भाई ये क्या कर रहे हो, कैमरा वाले भैया बनोगे क्या कुणाल भाई? सदमा लग गया भाई। बाप रे यार, फोकस नहीं हो रहा है। अरे यार कुणाल भाई इनसे लो ना सर, फोन ले लो ना इनसे कुणाल भाई, फिर होगा ना वही। अच्छा वही है, निकाल के बताओ क्या? प्रोमोट चालू कर दो। देखो हाँ देखो वही है। होगा इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। क्या बोल रहे हो गया? कॉपी नहीं है आपके पास? क्या हो गया? अरे कॉपी लाना भूल गए, भाग गया जल्दी से। नहीं भगाया थोड़ी मैंने कहा कॉपी ले आओ। बैग लेके गया ठंडे पानी में। यार यही चैट बनते हैं, ऐसे ही लोग चैट बनते हैं। ओ इसके घर में फ्रिज भी है भाई, सबके घर में सब कुछ है, कार भी है रहूंगा घर में। अरे भाई तो मतलब तो ये अपने इधर क्यों नहीं आते भाई पढ़ाने वढ़ाने? ये भाई पक्का रैपर बनेगा यार बड़ा। ओके ऐसे कर देगा ये वाला सिखाओ। सुमित लिल सुमित बनोगे तुम? लिल सुमित ऐसे करो। ये अब बन गया ना लिल सुमित। अरे प्रियांशी दीदी आप भी आ गए, आप तो बहुत जल्दी आ रही थी मैंने सुना था, आप तो हमारे साथ आने वाली थी, क्या हो गया? नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला। दुकान पे डव शैम्पू खत्म हो गए थे। डव खत्म हो गया? डव शैम्पू लेने गए। आप ऐसा मत करो आप। कितनी मस्त आ रही है इसको, ये हमारे ग्रुप की वो लड़की है जिसको परमिशन नहीं मिलती। भाई देखो तुमको मेरे जैसा स्टूडेंट दिखाता हूँ, ठीक है? हाँ ये है हमारा जय, ठीक है? ये कर रहा है हॉलीडे होमवर्क और देखो कहाँ से कर रहा है, ये देख रहे हो? दोनों एक ही यार। जय भाई ऐसे 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 मत करो यार ऑडियंस के साथ, कहाँ से छुपाओ मत यार, आप तो छुपा रहे हो यार। जय भाई कर रहे हैं हॉलीडे होमवर्क पीछे से, पीछे आंसर वाले साइड से। ये जय भाई बनेंगे खतरनाक।
थक गए क्या यार? नहीं ऐसे ही लोग तरक्की करते हैं। देखो भाई हो गई पढ़ाई वढ़ाई, हमने तो छोड़ दिया बच्चे कि अब तुम्हारा स्पोर्ट्स पीरियड है। देखो हम अच्छे टीचर है, देखो हमारे टाइम पे हमको स्पोर्ट्स पीरियड नहीं मिला, इनको हम स्पोर्ट्स पीरियड देंगे, तुम खेलो। ये खुशी देखते बच्चों के चेहरे पर स्पोर्ट्स सुन के। क्यों कुणाल भाई? कुणाल भाई तो पढ़ने वाले थे। कुणाल भाई का स्लोमो में करना किसको? अरे स्लोमो की तो बात ही मत करना मेरे से, दो महीने तक जब तक ऐसे रेगुलर ब्लॉग डालेंगे ना स्लोमो की बात नहीं करना मेरे से। नो सिनेमैटिक्स, नो स्लोमो। काव्य भाई तो थक गए। काव्य भाई क्या हो गया, थक गए आप तो? चेन निकाल के फिक्स कर रहा है। अरे आप भी रैपर बनोगे क्या? आपकी चेन दिख गई काव्य भाई। काव्य भाई नहीं बनना। ओहो प्रत्युष भाई आप तो वापस आ गए, बढ़िया भाई। मजा आज मेरे को तो मतलब ऐसे बहुत ही मजा आ गया आज तो। बहुत दिन बाद ड्राइव पे गया था, सबसे मिल भी लिया, ऐसे लिल सुमित देख लिया मैंने, बढ़िया रैपर बना दिया लोग बाग। हाँ तो ये सब भी करके आ गए बढ़िया। अब देखो आज मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग मतलब ऐसे वॉलीबॉल खेलने जाते ही हम लोग संडे को, और संडे को हम जाते हैं टाटा वाले ग्राउंड पे, ठीक है? तो टाटा वाले ग्राउंड पे तुम ऑलरेडी मेरे को व्लॉग्स में जितना भी अभी तक तुमने देखा है वो टाटा वाला ग्राउंड ही देखा है, ठीक है? तो वहां पे अभी जान मतलब जाके वापस आ गए हम लोग। हाँ और मेरे को व्लॉग करना भी था वहां पर, मतलब दिन भर मेरा फोन चला रहा था मीशो, और उसने फिर बाद में से बैटरी खत्म करके घर पे छोड़ गया फोन, तो कुछ भी नहीं हो पाया, ठीक है? तो वो बिल्कुल भी मतलब इसलिए हम लोग शूट वूट नहीं कर पाए उधर। तो अब तो वापस आ गए खैर। तो अब देखो मेरे पास ना, क्योंकि ऑफ कोर्स यार देखो मेरी अभी वैसी सी लाइफ नहीं है कि मैं तुम्हें रोज 10-10 मिनट के व्लॉग दूं, इसलिए छोटे व्लॉग आएंगे लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ आएंगे। तो भाई दिस इज इट फॉर टुडेज व्लॉग। आज तुमने देख लिया आरएचए का सब कुछ मस्ती माहौल, ठीक है? तो हाथ दुख गया भाई, हाथ दुखता है, भूल गया यार मैं व्लॉगिंग पूरा भूल गया हूँ। हाँ तो अभी तुमने आरएचए का मस्ती माहौल देख ही लिया। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग सोशल वर्क कर रहे हैं तो बिल्कुल मतलब ऐसे सीरियसली करते रहते हैं, बहुत मस्ती भी करते हैं हम लोग वहां पे, ठीक है? तो वो भी एक अच्छी चीज है। बाकी दिस इज इट फॉर टुडेज व्लॉग। अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो भाई तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, स्मैश दैट लाइक बटन, ठीक है? अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो। और बाकी हम लोग मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।